हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो तो गर्ज़ कैसे हैं आप सभी लोग होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे मैं भी ठीक हूँ तो गर्ज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फॉल अरे शैम्पू जो कि मैंने नैचुरली वेबसाइट से मंगवाया था इसका मैं एक शॉर्ट्स अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ तो प्लीज़ आप लोग जा देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वहाँ से आप चेक कर लेना और देख लेना प्लीज़ और गईज़ uh, आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि uh, कितना इफेक्टिव ये शैम्पू है ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सो गईज़ ये है नेचुरली का हेयर फॉल अरेश शैम्पू विथ सुपर फूड्स रेड अनियन और ब्रिंगराज जिसमें लिखा है अप... अप टू नाइन्टी सेवन हेयर फॉर रिडक्शन यानी नाइन्टी सेवन परसेंट आपके हेयर फॉल होने से ये कंट्रोल करता है नो पैराबिन और नो सल्फेट्स यानी पैराबिन और सल्फेट फ्री है वन एट्टी एम एल की ये बॉटल है और इसमें जो पीछे लिखा हुआ है बूस्ट स्कैल्प हेल्थ यानी आपकी स्कैल्प हेल्थ को ये बूस्ट करता है हेल्प स्ट्रेंथन रूट आपकी रूट को मजबूत करेगा हेल्प नरिश हेयर हेयर को नरिश रखेगा एंड सूट्स ऑल हेयर टाइप तो हर टाइप के बालों पर ये अप्लाई हो सकता है और जो इसका प्राइस है वो है टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ इसी के साथ जो कंडीशनर मुझे रिसीव हुआ है नेचुरली का डैमेज रिपेयर कंडीशनर है विथ सुपर फूड्स मॉरिंग ऑयल एंड एवोकाडो इसमें भी ये भी पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री है वन एटी एम की बॉटल है नेचुरली का डैमेज रिपेयर कंडीशनर है जो करेगा नरिश करेगा हेयर को एंड रिड्यूस uh, करेगा स्प्लिट एंड्स को जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे शाइन बालों में लेके आएगा और ये भी सूट करेगा ऑल हेयर टाइप कोई ड्राई होता है किसी का ऑयली हेयर होता है तो सब टाइप की हेयर पे ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ है और जो इसका प्राइज uh, है वो है टू सेवेंटी फाइव का ये कंडीशनर है तो गाइज इन दोनों को मैंने नेचुरली की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया है क्योंकि कई बार क्या होता है हम दूसरी साइट से मंगवा लेते हैं लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता कि फ्रॉड आ रहा है कि रियल आ रहा है या फेक आ रहा है तो उसी तरीके से मैंने नेचुरली की साइट से ही इसे ऑर्डर किया है मैंने भी इसे सोशल मीडिया पर ही देखा था और फिर जब मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़े तो मैंने सोचा एक बार मंगा के देख लेती हूँ क्योंकि पहली बार में हमें ऐसा ट्रस्ट नहीं होता है जब तक हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो सबके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू तो थे लेकिन मैंने सोचा एक बार मैं ऑर्डर करवा लेती हूँ उसके बाद जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं इसका रिव्यू दूंगी ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या ये वाकई में आ, अच्छा है या नहीं है तो यहाँ पर मैंने इसको नेचुरली की वेबसाइट से आ, मंगवा लिया था और मुझे तीन से चार दिन में ये रिसीव हो गया था तो दोनों का कॉस्ट मुझे पड़ा था फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ का फाइव हंड्रेड रुपीज़ में ये मुझे रिसीव हुआ है वो भी नेचुरली की साइड से ही अदर साइड का तो मुझे नहीं पता ये कितने का है और क्या है और गाइज़ अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अप्लाई करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से शैम्पू और कंडीशनर दोनों को यूज़ करना है चलिए अब इसको यूज़ करके दिखाते हैं आपको तो यहाँ पर लिया है मैंने मग और उसमें थोड़ा सा पानी अब मुझे पानी में शैम्पू को डालना है यानी मुझे शैम्पू को डाइल्यूट करना है तो कभी भी जब शैम्पू यूज़ करना हो तो पानी में डाइल्यूट ज़रूर करना है डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है चाहे वो कितना भी अच्छा शैम्पू हो लेकिन स्कैल्प में उसे डायरेक्ट नहीं लगाना है कभी भी और इसी तरीके से अपने बालों को गीला कर देना है देन शैम्पू यूज़ करना है तो इससे क्या होता है आपका शैम्पू भी ज़्यादा नहीं लगता है और अच्छे से झाग भी बन जाता है और स्कैल्प में पूरी तरीके से शैम्पू एब्जॉर्ब हो जाता है और जितने भी आपकी सर पर गंदगी होती है वो पूरी तरीके से निकल जाती है तो देख लीजिए मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ अगर आप लोगों ने ऑयलिंग की है तो आपको दो बार शैम्पू करने की ज़रूरत हो सकती है लेकिन मैंने एक ही बार यहाँ पर शैम्पू यूज़ किया है और कभी भी हेड वॉश करना हो तो प्लीज़ नॉर्मल वाटर से ही करना मतलब गर्म पानी से तो बिल्कुल भी नहीं करना विंटर्स में जैसे ज़रूरत होती है तो आप गुनगुने पानी से कर सकते हो अब यहाँ पर मैं कंडिशनर यूज़ करी तो जो इसका कंडिशनर उसका टेक्स्चर इतना क्रीमी है मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था फिर मैंने अपने बालों पर अप्लाई कर लिया था तो इसको भी स्कैल्प में बिल्कुल नहीं लगाना है अगर कंडिशनर स्कैल्प में लगता है तो डेंड्रप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अभी यहाँ पर कंडीशनर को दो से तीन मिनट तक मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी तो इसी तरीके से ये सारा प्रोसेसर करना है और अब मैं दिखाऊँगी कि रिज़ल्ट क्या हैं इस तो आप लोग वीडियो में बन ही रहिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे बाल सूख चुके हैं मैंने किसी भी टाइप का ड्रायर यूज़ नहीं किया है और मैं करती भी नहीं हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं जब मैं ऑफ़िस जाती थी तब ड्रायर का यूज़ करती थी लेकिन बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो यहाँ पर अब मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरल हवा से ही मेरे बाल सूखे अब मैं इसका आपको रिज़ल्ट बताने वाली हूँ कि ये कितना इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए तो गैज़ मैंने इसको तीन बार यूज़ कर लिया है और तीन बार में जो मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं हेयर फॉल के वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं मेरा बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा मतलब आजकल आपको पता है मानसून है मानसून में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है वैसे ही मेरे साथ हो रहा था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी लेकिन फाइनली जब मैंने इसको यूज़ किया तीन बारी यूज़ करने से मुझे मतलब काफ़ी हद तक मेरा हेयर कंट्रो फॉल कंट्रोल हो चुका है तो जिसका एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रहा है इस तो आप प्लीज़ इस शैम्पू को एक बार ज़रूर ऑर्डर करें जरूर यूज़ करें और रिजल्ट्स करे, आपको ज़रूर पता चलेंगे वैसे फर्स्ट टाइम को किसी को भी Uh, मतलब ट्रस्ट नहीं होता है क्योंकि भाई बालों की बात होती है तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है लेकिन जब तक आप खुद इसको यूज नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा तो आप मैं ट्रस्ट के साथ कहती हूँ कि आप एक बार इसको ज़रूर मंगवाएं और यूज़ करें दूसरा ये हर हर्बल शैम्पू है जिसमें रेड अनियन और ब्रिंग है और कंडीशनर भी में कंडीशनर में भी मोरिंगा ऑयल और एवोकाडो है तो बिल्कुल नेचुरल है हर्बल है तो इसमें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आप आराम से यूज़ कर सकते हो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है इनका तो आप एक बार यूज़ ज़रूर करें और मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि आप आज ही यूज़ करो तो आज ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा लेकिन हाँ अगर आप वीक में तीन बार इसको यूज़ करते हैं वैसे वीक में तीन बार शैम्पू ज़रूर करना चाहिए तो आपके डेफिनेटली हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा तो गाइज यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर के साथ मुझे ये कॉम भी रिसीव हुई बिल्कुल फ्री में तो ये है नीम वुडन कॉम जो कि मुझे अच्छी लगी देखने में और ये नेचुरल के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हैं तो मतलब सारे प्रोडक्ट हर्बल के ही हैं तो इसको यूज़ जब मैंने किया तो सच में बिल्कुल भी एक भी बाल मेरा उलझा नहीं जैसे कि अदर कॉम से उलझ जाते हैं बाल और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप कॉम करते हो तो जो मोटे वाले कॉम होता है प्लीज़ उसे यूज़ किया करो उससे बिल्कुल भी आपके बाल टूटेंगे नहीं और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे लग रहा था हेड मसाज हो रहा है तो गाइज़ मैंने तो ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है और इसका आप लोगों को रिव्यू बता दिया है तो प्लीज़ आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए ये बेस्ट है तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय